हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। उत्तर प्रदेश बांदा जिला के तिनवारी ब्लॉक के ग्राम पंचायत खौड़ा का मंजरा जरिया दतरौली के जो लोग यहाँ सड़क पर उतरे हैं और इन लोगों का आरोप है कि कोटेदार खौड़ा का हमें 3-3 माह से राशन नहीं दिया है, इसलिए ये लोग जनता यहाँ पर इकट्ठा हैं और बैठ गए हैं रोड में। और इन लोगों का कहना है कि जो फ्री गल्ला आया है, कोटेदार फ्री गल्ला नहीं दे रहा है, अगर किसी को देता है तो उनसे पैसे लेता है। ऐसे क्यों किया जाता है? जो सरकार का आदेश है का पालन नहीं हो पा रहा है। लोगों को फ्री गल्ला देने के लिए वितरण किया गया है। गल्ला मिल गया? हाँ मिला है, पैसे में दिए, मतलब फ्री जो था नहीं दिया। अच्छा, पैसे में दे रहे हैं? कौन से कार्ड था, सफ़ेद वाला? हाँ। जो आप कार्ड नहीं है उसको फ्री गल्ला नहीं दिया जाता? दिया तो जाता है तो, लेकिन नहीं दी तो का कारण? काल मार कारण माता राम की लड़ाई कारण एक सुनाई रही तो अभी क्लीन घर दूध कहाँ दी से। अच्छा, अभी इस बार नहीं 15 तारीख को वितरण हुआ? अभी कहाँ दी से, एक बार मिला। कितना पैसा लिया था? 80 रुपये हमको तो मिला, चाहे 7 पसेरी तो अच्छा है पसेरी, इनका नाम ही नहीं कार्ड में लिख दे। अच्छा, पति का नाम नहीं है? हाँ। तो राशन लेने जैसे आप कोटे जा रहे हैं, क्या मिलता है वहाँ है आप? गेहूँ और चावल दीदी मिलत रहा है, वहाँ नहीं मिलता था, 3 जने का देती, 1 जने का काट रही। तो इस बार चावल भर मिलता है, गेहूँ मिलता है? चावल भर मिलता है, चावल भर में का सूखी चावल बना के खा ले, न तेल आ, न वहाँ नून आ, न वहाँ सब्जी आ, न कुछ आ। कितने लोगों का नाम कटा? 3 लोगों का। हाँ, तो कितना मिला है आपको? 10 किलो। 10 किलो, 10 किलो। खाली 2 लोगों का? हाँ बस 3 लोग। उसी में हम लोग 5 जने, चाहे जो कुछ खा ले, चाहे जो कोई खा ले। हमारे भाई का कटा, बहन का कटा, हमारा कटा। आज कहाँ गए तू? गल्ला लेने। कैसे मिला है आपको गल्ला? गल्ला अब ये है कि हमें उठा डगाना पड़ता है तो बिटिया लड़कन का साथ में लेके जाते हैं, 3 ठो नाम 4 ठो कटे हैं तो अब क्या करें। 10 किलो गल्ला चाहे महीना भर चला ले, चाहे 2 दिन खा ले, चाहे 4 दिन खा ले। पहले कितना आपको गल्ला मिलता था? हमें 5 पसेरी 6 पसेरी मिलता रहा गल्ला, अब नहीं मिलता है। अच्छा, तो कब से नाम कट गए? ये 3 महीना पूरे हो गए, 3 महीना से कटा है। बांदा गए थे, बांदा में नाम चढ़वाए आए हैं। तो क्या हुआ फिर? अब का हुआ अब ये बता नहीं सकते कि यह नाम आया या ना आया। जी कोटेदार, ये बताइए, कुछ लोगों को आरोप है कि कोटेदार फ्री गल्ला नहीं देता है और गल्ला देने में पैसा लेता है, तो ऐसे क्यों किया जा रहा है? जिनके जॉब कार्ड है उनको मैंने फ्री दिया है, और जिनके जॉब कार्ड नहीं, हमारे पास लेखा जोखा है, जितने हमारे जॉब कार्ड में नंबर है सबको फ्री दिया। उसमें एक ही आदमी है, उसको मिला श्याम लाल नाम के, 3 आदमी थे, हमने कहा उसको जो है कल गल्ला आपको दे दिया भाई। उसने कहा कि आज, मैंने कहा आज नहीं देगा, कल लेना। उसका भी पैसा वापस करने के, हम उसका पैसा लिया तो हमने वापस करने, लेखपाल साहब के उन्होंने कहा हम पैसा दिला कर घर देने गए, उसने पैसा नहीं दिया। बाकी और कोई मेरे पास आरोप नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना जॉब कार्ड का उतना पैसा लिया गया। सर आपके लिए पूछ लीजिए, जो जॉब कार्ड में नहीं है उसके अलावा पैसा लिया, जॉब कार्ड में नंबर है तो हमने उसको पूरा पैसा गल्ला दिया फ्री। कुछ लोगों का कहना है कि लिस्ट से हमारे नाम कट गए हैं, तो जो लोगों के नाम कट गए हैं तो इनमें कब तक सुधार हो सकती है? तो हम कौन लिस्ट बनाते हैं भाई, क्या जॉब कार्ड की लिस्ट हम थोड़ा बनाते हैं? इस बार गल्ला किस तरह से वितरण किया गया है, जो जॉब कार्ड वालों को नेम हटाकर फोन दिया गया है, उसके यूनिट के हिसाब से टोटल फ्री, हम तोड़े भी पूरे फ्री, पात्र गृहस्थी पूरी फ्री, किसी से पैसा नहीं लिया गया हमारे सामने कहा। कोरोना पर खबर लहरिया का अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आंखों नाक और मुंह ना छुए। यदि आपको खांसी और बुखार सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।